आज हम इस एसपी विषय कोल से रिलेटेड टर्म डाइलेक्ट्रिक क्लोसिस के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछली बार आपने स्किन इफेक्ट के बारे में जाना था इसी यूनिट के और कोल्स की टर्म्स में, तो आज हम डाइलेक्ट्रिक क्लोस सामान्यतः डाइलेक्ट्रिक मेटल जो कि एक कुछ अलग की तरह होता है और लो फ्रिक्वेंसी रेंज में उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है तो डाइलेक्ट्रिक मेटल्स के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उसके कारण उसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट के कारण एनर्जी लॉस होता है, तो वही इसका डाइलेक्ट्रिक लॉस कहलाता है। डायलेक्ट क्रॉस लॉस ऑफ एनर्जी दैट गोज इनटू हीटिंग ए डायलेक्ट्रिक मेटल इन ए वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखा जाए जैसे कैपेसिटेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में डायलेक्ट्रिक मेटल काम में लगाया जाता है, वहाँ पर भी इसका प्रभाव रहता है, लेकिन यहाँ हम इसको कोयल के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। तो द हायर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द कंडक्टर्स इन ए टैंक कोयल can cause the motion of polar molecules in nearby insulating metal. Tank coil जो भी है आपकी उसमें यदि high frequency है तो molecules हैं insulating metal के या dielectric metal के वो heat को dissipate करते हैं, energy को dissipate करते हैं as a heat. So coils used for tuned circuits are often not found on coil. इस कारण जो tuned circuit में काम में आने वाली coil को किसी dielectric metal पे bound नहीं किया जाता है या forward पर, उसमें air को ही generally काम में लेते हैं। जिससे कि इस loss से बचा जा सके। इंडक्टेंस कोयल्स आर वाउंड अराउंड एन, जैसे हाई फ्रिक्वेंसी पे आप देखा जो इंडक्टेंस कोयल्स होती है उसको बनाने के लिए हम उसको इंसुलेटिंग फॉर्मवर्क पे वाउंड करते हैं और वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। लो फ्रिक्वेंसी पे ये इंसुलेटिंग फॉर्मवर्क पे किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो जो कोयल है उसकी सेल्फ रेजोनेंस के कारण उसका इंडक्टेंस का कोयल भी चेंज होता है। और इसी नेचर के कारण उसका जो सेल्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है सेल्फ रेजोनेंस के कारण उसमें रेजोनेंट होता है और जो फॉर्मर होता है उस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट करने के कारण उसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट से वो एज ए जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक लॉस के रूप में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार जो ये लॉसेस है इस फॉर्मर में उसके कारण जो कोयल है उसका क्यू यानी क्वालिटी फैक्टर कम हो जाता है, यानी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कारण जो कोयल का क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस हो जाता है। और ये मुख्यतः इसके अलावा जो मुख्यतः इसका रिडक्शन होता है और ड्यू टू द रिडक्शन इन SRF रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए जो मेटल काम में लिया जाता है वो लो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को प्रिफर किया जाता है कोयल के अंदर हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कम।
कर ही देना। लेकिन फिर भी ऐसा को देख रहे हैं या जो भी है, तो जो लॉस फैक्टर है वो लो डायलेक्ट्रिक मेटल में भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी एज ए समझे हम देखा जाए तो जो डायलेक्ट्रिक लॉस है वो मुख्यतः हीट के रूप में रूपांतरित होता है। यानी द करंट थ्रू द इंटरकंडक्टर ऑफ एन इंडक्टर मेक्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलेटर एक्सर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। द हायर द फ्रीक्वेंसी द ग्रेटर द हीट डिसिपेशन। तो मुख्यतः जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे डायलेक्ट्रिक लॉस बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर डायलेक्ट्रिक मेटल पर भी डायलेक्ट्रिक लॉस निर्भर करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी, जो जो सिग्नल जो करंट उस कोयल को दी जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी डायलेक्ट्रिक लॉस निर्भर करता है। तो इस लॉस के कारण मुख्यतः जो आपका कोयल का क्वालिटी फैक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है। इस प्रकार आपने डायलेक्ट्रिक लॉस के बारे में जाना।